नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के फिरोजपुर झिरका विधानसभा में, और हम जहां खड़े हैं ये अलीपुर टिगरा मोड़ के नाम से जाना जाता है ये जगह। तो यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के यहां क्या कुछ माहौल है, किसका जोर है और कौन जोर अजमाइश में अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव रोचक हो गया है। यहां से कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा है, तो राव इंद्रजीत सिंह 3 बार से लगातार जीत के आ रहे हैं गुरुग्राम से, और इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ माहौल यहाँ रहने वाला है, क्या कुछ माहौल रहेगा यहाँ चुनाव का। चुनाव कांग्रेस चलेगा है, कांग्रेस का बब्बर, राज बब्बर के लिए देंगे वो। राज बब्बर के लिए। अच्छा, राव इंद्रजीत भी है। हाँ, राव इंद्रजीत भी है। तो मुकाबला है कुछ? मुकाबला नहीं है, बब्बर शेर ही रहेगा इधर तो है। बब्बर शेर भारी रहेगा पूरे इलाके में हमारे फिरोजपुर हल्का में। अच्छा, वही रहेगा। अच्छा, तो और ये जैसे फाजिलपुरिया हैं, दूसरे और भी कैंडिडेट हैं, इनका क्या कुछ रहेगा? इनका नाम ना मिले, 2-4 वोट मिल सके गाँव के। अच्छा, खाता नहीं खुलेगा? नहीं। अच्छा, जमानत जब्त हो जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल जमानत जब्त है इनका आगे तो। अच्छा, और राव इंद्रजीत और बब्बर में कौन भारी दिख रहा है तुम्हें? बब्बर शेर भारी रहेगा इधर तो। बब्बर शेर। अच्छा, तो और भी भैया तुम्हें तो पता होगा क्या कुछ माहौल है यहाँ। ठीक माहौल है। हाँ, किसका? मतलब राव इंद्रजीत का ज्यादा है जी। और बब्बर? बब्बर यहाँ से मतलब राव इंद्रजीत 40-50% वोट ले रहे हैं। 40-50%। फिर तो मैं एक तरफा हो जाता है इलेक्शन, तो एक तरफा ही रहेगा जी। हैं? एक तरफा ही रहेगा। अभी तो भाई साहब कह रहे थे कि बब्बर बहुत भारी है। वो कह रहे हैं भाई साहब, उसको लग रहा है जी, हमें तो नहीं लग रहा। अच्छा, कैसे नहीं लग रहा आपको? भाई हम तो बीजेपी की वोट देंगे। अच्छा, आप बीजेपी की देंगे जी? हम राव इंद्रजीत के फैन है जी। अच्छा, आजा भैया आगे और उधर चले। हाँ ताऊ, क्या हाल है? अच्छा हाल है, खूब जोर पकड़ा। क्या जोर रहेगा, किसका जोर हो जाएगा? ही तो राज बब्बर के संग भैया। अच्छा, कांग्रेस के संग बिल्कुल। अच्छा, एक बार डासू। अच्छा, कांग्रेस ही वोट देना? कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस। अच्छा, कौन मतलब कितनी वोट मिल जाएंगी राज बब्बर को यहाँ? अरे हम तो अपनी 900 फिरोजपुर से 900 कम से 4.5 लाख वोट। 4.5 लाख। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से तो पूरी मतलब एक तरफा वोट, एक तरफा वोट दे ना हम तो भाई। अच्छा, देंगे भी सर भाई। राव इंद्रजीत से इतनी नाराज क्यों? हमें कुछ करे ही ना। अच्छा, करो कहा हमारे बारे में बता। हम भी अब आप बता कि रोड़ी भी लगाई हो, कोई कॉलेज लाया हो, कोई यूनिवर्सिटी लाया हो, कुछ लाया हो वहाँ बता। अच्छा, कोई रोड बनाया हो? अच्छा, सारा लेन जमुना को पानी है तो सब पानी आ गई कांग्रेस मनमोहन सिंह राज में। ये सारे लीक हो रहे, सारा रोड टूट गया, पानी सुहाग कहते कहते यार का कोई सुनाई ना करे। तो क्या लगता है बब्बर बाजी मार जाए? बब्बर है बाजी मरवाऊंगा मैं, लेकिन सुन ली तो ऊपर वाला ने। अच्छा, हाँ, तो राजा साहब हार जाएंगे? हाँ हाँ, हम तो अपनी तरफ से हार भेजेंगे भाई। अच्छा, वो आगे जीत जाते हैं? कहाँ जीत जाए वो, कहाँ जीत? वो हर बार इधर से तो कहाँ से जीतेगा? हम लोग आज जीते बताओ कहाँ जीत। मैं ये कह रहा हूँ की हर घालू पावर कह रही है सारे राज बब्बर को। हाँ, और गुड़गांव मिली झुलिया भाई। अच्छा, हम भी सारा एरिया में घूम पड़ा, मतलब कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी राज बब्बर जीतेगा, मतलब राज बब्बर के आने से मुकाबला कड़ा होगा। हाँ, करो होगा खूब हटके। अच्छा, हाँ खूब करो। और भी है? हाँ, तो आप बताओ क्या कुछ माहौल रहने वाला है यहाँ? माहौल बढ़िया ही। हाँ, किसका ज्यादा दिख रहा है? राज बब्बर का। राज बब्बर का। तो इस फिरोजपुर हल्के में पूरे में राज बब्बर भारी रहेगा? हाँ, भारी रहेगा। अच्छा, और राव इंद्रजीत सिंह का क्या कुछ है? हम जाना ना बात जब करावा के हम। अच्छा, देखो वो तो कई बार से सांसद रहे हैं, अब क्या कई बार हम देखो ही ना, आए नहीं कभी ना। अच्छा, मतलब इतनी बेरुखी क्यों है उनकी? है हुआ कि परेश उद्योग है, मैं परेश जीत जाऊँ भी अच्छा मध्य प्रदेश। अच्छा, कही है। क्या लगता है राज बब्बर को कितनी वोट मिल जाएंगी? वाल बहुत वोट मिलेगी इस। अच्छा, तो लगता जीत जाएंगे राज बब्बर? फाइनल। कई बार जब पिछले 2-3 इलेक्शन तो हमने देखे हैं यहाँ पे, जब भी ये यहाँ इलेक्शन होता है कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से अच्छी खासी वोटों से जीत के जाता है, लेकिन गुड़गांव और बादशाहपुर में आके बाजी
हार जाता है। तो इस बार तो ऐसा नहीं रहेगा, आपके नारा होगा पहले वोट मिलेंगे आलू सरकार को मुकाबलो आपके। अच्छा, किसान जाट भी हमारे भाई हैं, राव साहब भी हमारे भाई हैं, जो हरिजन है वे भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई है जो किसान सारा। अच्छा, हमारे और सरकार को मुकाबलो किसानों को और सरकार को। अच्छा, तो राव साहब तो अब की बार भी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप दो या मत दो, मैं तो उस तरफ से जीत जाकर पता लग जाएगी। हाँ। 4 तारीख लो। हाँ। 4 तारीख को पता लग जाएगी जब लैटरी खुलेगी भाई। अच्छा। हाँ। तो अब की लैटरी खाली जाएगी। तो खाली जाएगी हमारी तरफ से, तो खाली जा रही है भाई। हाँ। 100%। अच्छा, 99% खाली जा रही है। 100%। हाँ। अच्छा। आ भाई ना, सकल ना दिखा, फटके ना कोई काम ना करा कुछ भी। ठीक है, ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रहेगा, आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे वहां की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।